हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहूँगा, नीट यूजी 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। अगर आपने नीट यूजी क्वालिफाई नहीं किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर NMC आपको अलाउ नहीं करेगी भारत के बाहर आपको MBBS या फिर MBBS इक्विवेलेंट डिग्री में एडमिशन लेने के लिए। वो एडमिशन आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। जो एडमिशन ले चुके हैं, जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है और उन्होंने नीट क्वालिफाई नहीं किया है, या फिर जो अभी एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है वो नीट यूजी पहले क्वालिफाई करें, उसके बाद ही आप एडमिशन लें। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड पार्ट ऑफ टूर इन विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट कैंपसेस ऑफ ISM। ISM के तीन कैंपसेस है फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, वो है सेंट्रल कैंपस, बाकिंग कैंपस, मॉर्फ कैंपस। सेंट्रल कैंपस जहाँ पर कि डीन ऑफिस रहेगा, और सेकेंड से फिफ्थ ईयर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट कैंपसेस और हॉस्पिटल्स होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल कैंपस की, इसके बेसमेंट में ISM स्टूडेंट काउंसिल का ऑफिस है, वहीं पर सारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। उसी के बाद ग्राउंड फ्लोर पर दो लेक्चर हॉल हैं, एक कैंटीन है। सेकेंड फ्लोर की अगर अपन बात करें तो डीन ऑफिस, रेक्टर ऑफिस, देन थर्ड फ्लोर पर ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट है, जहाँ पर कि आपकी HOK यानी कि हिस्ट्री ऑफ किर्गिस्तान की क्लास लगेगी, रशियन क्लास लगेगी, इंग्लिश और फिलोसफी क्लास लगेगी। साथ ही में थर्ड फ्लोर पर ICC ऑफिस है, जहाँ से आप मार्कशीट और पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ फ्लोर की अगर अपन बात करें, वहाँ पर बेसिक साइंस डिपार्टमेंट है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लैटिन। फिफ्थ फ्लोर की अगर अपन बात करें तो लाइब्रेरी, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट और कंप्यूटर लैब है। सेंट्रल कैंपस या फिर डीन ऑफिस से जस्ट बाहर निकलते ही आपको ICC ऑफिस मिलेगा, जहाँ से आप अपना पासपोर्ट या फिर वीज़ा रिलेटेड प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे वीज़ा रिन्यूअल करवाना है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, जस्ट डीन ऑफिस या फिर सेंट्रल कैंपस के बाहर ही ICC ऑफिस है, वहाँ पर जाकर के आप ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ सेंट्रल कैंपस के आसपास आपको इंडियन फूड भी मिल जाएगा, जहाँ पर कि आलू के पराठे, चाय और इसी तरह से और भी फूड्स आपको अवेलेबल रहेंगे वहाँ पर। सेंट्रल कैंपस का एड्रेस रहेगा 1F उलित्सा इंटरगेल्पो। अब मैं आपको बताऊंगा बातिंग कैंपस के बारे में, जिसका एड्रेस है 114 लेव तोल्स्तो स्ट्रीट, बिश्केक, किर्गिस्तान, जहाँ पर कि एनाटमी डिपार्टमेंट, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट और बायोथिक्स डिपार्टमेंट रहेगा। बेसमेंट में आपके लेक्चर हॉल्स रहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर पर रहेगा और सिक्स्थ फ्लोर पर एग्जाम हॉल रहेगा। फर्स्ट ईयर से लेकर के फिफ्थ ईयर तक की सारी ऑनलाइन एग्जाम आपकी यहीं पर रहेगी। अब बात करते हैं मॉर्फ कैंपस के बारे में, जिसका एड्रेस है अंकारा स्ट्रीट, मॉर्फो कॉर्पस, जहाँ पर कि तीन डिपार्टमेंट्स रहेंगे, नॉर्मल फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट और फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट। उसी के साथ साथ सेकेंड सेम का सब्जेक्ट है नर्सिंग, जिसके लिए वेदांता हॉस्पिटल में आपकी क्लासेस लग सकती हैं, जहाँ पर कि क्लिनिकल प्रैक्टिसेस होती हैं। वेदांता हॉस्पिटल में ही हर साल आपका मेडिकल चेकअप होगा, और अगर जनरल चेकअप के लिए अगर आपको जाना है तो आप वेदांता हॉस्पिटल जा सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखना है जब आप ट्रेवल करेंगे कैंपस टू कैंपस या फिर हॉस्टल टू कैंपस। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए कॉलेज की बसेस रहेंगी, जिसके लिए आपको कोई भी चार्जेस बाद में नहीं देना है, क्योंकि आपकी फ़ी में पहले ही वो इंक्लूड रहता है। साथ ही में ध्यान रखना, आपको फर्स्ट ईयर में आपको अवॉइड करना है लोकल ट्रांसपोर्ट। इन केस आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी तो आपको यांडेक्स टैक्सी का आपको यूज़ करना है। साथ ही में अगर आप बाहर जा रहे हैं हॉस्टल के बाहर या फिर कहीं भी, तो बिना इंटरनेट और बिना सीनियर को बताए आप बाहर ना जाएं, या फिर बेस्ट है आप किसी सीनियर के साथ ही बाहर जाएं। इस चीज़ का रीज़न क्या है, क्योंकि आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं पता है, साथ ही में आपको रूट्स और ट्रांसपोर्टेशन की बिल्कुल भी अभी नॉलेज नहीं होगी वहाँ पर। साथ ही में सभी हॉस्टल से कैंपस के लिए और कैंपस टू कैंपस के लिए बसेस अवेलेबल रहेगी। हर क्लास के बाद आपको हाफ आवर मिलता है जिसमें कि आप ट्रेवल कर सकते हैं। ISM की बस अवेलेबल रहेगी कैंपस के जस्ट बाहर, जिससे कि आप एक कैंपस से दूसरे कैंपस अगर आपकी क्लास है तो आप जा सकते हैं। डिस्टेंस और टाइम दोनों ही सफिशिएंट रहता है, आप हाफ आवर के अंदर यानी कि आधे घंटे के अंदर अंदर आप ट्रेवल कर सकते हैं उस कैंपस तक। ऑल्सो जिनका फर्स्ट ईयर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, अब वो थर्ड ईयर में जाने वाले हैं, तो बेस्ट है मसूद का अवॉइड करें। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो कि बहुत ही यूजफुल होगी आपके लिए, जिसमें कि आप ट्राम नंबर देख सकते हैं, ट्राम रूट्स देख सकते हैं और लाइव लोकेशन चेक कर सकते हैं उस ट्राम की। एप्लीकेशन का नाम है 2GIS.KG।
इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए कॉलेज बसेस कंपलसरी रहेंगी। मेरा सजेशन यहां पर यही रहेगा फाइनल, जिसमें कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को कॉलेज बस का ही यूज़ करना है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से अवॉइड करना है। कॉलेज बसेस प्रोवाइड की जा रही है आपको ISM कॉलेज की तरफ से, ISM मैनेजमेंट की तरफ से, वो सबसे बेस्ट है, आपको उसी को यूज़ करना है। नेक्स्ट कैंपस रहेगा ISM का, वो है ईस्ट कैंपस, जो कि बिश्केक में ही है, जिसका एड्रेस रहेगा शाबदन बातिर स्ट्रीट, जिसमें कि ईस्ट कैंपस और ISM सेंट्रल कैंपस दोनों के लिए ही कॉमन हॉस्टल है, तुरुजबेको हॉस्टल। और अगर ईस्ट कैंपस की क्लासेस की बात की जाए, यहाँ पर सिर्फ एक कैंपस है जिसमें कि आपकी सारी क्लासेस लगेगी। 9 से 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग रहेगी, जिसमें कि डिफरेंट फ्लोर पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, जहाँ पर कि आपकी सारी क्लासेस फर्स्ट ईयर से लेकर के फिफ्थ ईयर स्टूडेंट तक की सारी क्लासेस वहीं पर लगेगी। अब बात करते हैं स्कूल कैंपस की। इसिकुल डिस्ट्रिक्ट में अपना कैंपस ISM इसिकुल है, ये बिश्केक से लगभग 190 किलोमीटर दूरी पर है। वहीं पर स्टूडेंट्स का हॉस्टल और कैंपस है, जहां पर कि उनकी क्लासेस लगेगी। सो फ्रेंड्स, ये सारी बातें थी कैंपसेस के बारे में, ISM के कौन कौन से कैंपस हैं और उनके एड्रेस। यहां पर एक कैंपस से दूसरे कैंपस के बीच की दूरी और टाइम दोनों ही मैनेजेबल रहता है। आपको आधा घंटा दिया जाएगा क्लास के बाद, जो कि वो पूरी तरह से मैनेजेबल है, सफिशियंट है, जिसमें कि आप एक कैंपस से दूसरे कैंपस जा सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और टारगेट रखते हैं इस वीडियो के लिए 250 लाइक्स का। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, किसी भी तरह से कैंपसेस से लेकर के, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के वो क्वेश्चन डाल सकते हैं। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इंस्टाग्राम पेज की लिंक दे दूंगा, जहां पर कि आप उससे जाकर के फॉलो कर सकते हैं और वहां पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो। जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगी जो कि आपको जानना चाहिए, लाइक नीट UG एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक, इस तरह से जो भी लिंक रहेगी मैं आपको वहां पर बता दूं। साथ ही मैं एप्लीकेशन TwoGIS.KG की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। टारगेट रखते हैं हम इसका 250 लाइक्स का, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।